हेलो एवरीवन, नमस्ते। तो आज है दशहरा और मैं यहाँ पे रेडी कर रही हूँ राम श्याम और हनुमान जी को, प्लस सीता भी है यहाँ पे। तो इन लोगों को रेडी कर लेने के बाद आज इन लोगों का ये निकालेगा, क्या बोलता है उसको, आई डोंट नो, आई थिंक झांकी, हाँ झांकी निकालेगा। और यहाँ पे देख सकते हो ये बन रहा है लक्ष्मण, ये बन रहा है हनुमान, एंड यहाँ पे है हमारा राम। तो ये लोगों को हम रेडी करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे सीता है, तो ये जो बेबी है ये ऐसे ही बन गया है, जिद कर रहा था इसीलिए इसको कुछ नहीं बनाया है हम लोग, ऐसे नॉर्मली बनाया है। तो यहाँ पे सब लोगों को रेडी कर लेने के बाद राम, सीता एंड लक्ष्मण एंड उनका वाइफ का नाम नहीं पता मुझे, वो है। तो उसके बाद यहाँ पे है जिनमें इन लोगों को बैठा के घुमाने वाले हैं पूरा बाजार, तो इन लोगों को इसी में बैठा के घुमाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का रावण तैयार हो रहा है, अभी बहुत ही काम बाकी है रावण के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रावण, एंड ये आकृति का बेस्ट फ्रेंड है। तो यहाँ पे इन लोगों को झांकी निकालने के लिए बैठाया गया है, ये झांकी निकल चुकी है बैलगाड़ी में, तो चारों तरफ बाजार की तरफ घूमेगी। उसके बाद रात में रावण दहन का कार्यक्रम है, और गाइज रावण दहन का पुतला मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा रही हूँ, तो यही है। तो ये हम लोग का घर के आगे है, तो अभी भीड़ नहीं है, तो मैं जल्दी जल्दी आके शूट कर ली। एंड यहाँ पे हम लोग का राम सीता सब है। तो रात में लगभग 8 बजे तरफ रावण दहन होगा, अभी मैं ऐसे ही आई हूँ। एंड यहाँ पे हम लोग का दुर्गा मंदिर है, जहाँ पे अभी आरती स्टार्ट हो चुका है, आरती के बाद होगा रावण दहन का कार्यक्रम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है चारों तरफ। ये देखो क्यूट बाबू सबको पीटता रहता है, पता नहीं क्यों, बहुत बदमाश है ये। तो गाइस यहाँ पे आप देखो सब लोग यहाँ पे आरती अभी कर रहे हैं, आरती के बाद रावण दहन होगा। एंड यहाँ का भीड़ आप देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना दूर दूर से लोग आते हैं ये रावण दहन देखने के लिए, क्योंकि ये गौड़ीगंज में सबसे फेमस है। बहुत दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, बहुत इंजॉय करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे अभी आरती हो रहा है, आरती की होने के बाद ही रावण दहन का कार्यक्रम होने वाला है। तो ये हम लोग का न्यू मंदिर है, अब नेक्स्ट ईयर से ये न्यू मंदिर में ही बनेगा। तो गाइज यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, नितेश अपना पोज दे रहा है। तो यहाँ पे देखो कितना ज़्यादा भीड़ है, अभी और भीड़ लगने वाला ही है क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सब लोग आरती ले रहे हैं, आरती ख़त्म होने के बाद आरती को यहीं पे लेके आ गया, क्योंकि लोग यहाँ पे सब लोग यहीं पे आ गए क्योंकि अपना स्पेस जो है वो मेंटेन करनी है, अपनी अपनी जगह लेनी है इसीलिए। तो मैंने भी यहाँ पे आरती लिया, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग का रावण, एंड चारों तरफ देखो कितना ज़्यादा भीड़ है। इतना भीड़ में तो लोग सब, कौन कौन खोया पता नहीं, कौन बच्चा कहाँ गया, तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं देखने के लिए। एंड सबसे पहले तो यहाँ पे पटाखा वगैरह पटकाया जा रहा है क्योंकि इससे लोग अट्रैक्ट होते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितना ज़्यादा पटाखा वगैरह पटका रहे हैं। Rama, 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 R
तो गाइज यहाँ पे मैं हूँ और यहाँ पे है मम्मी। तो हम लोग सबसे आगे है क्योंकि हम लोग को सबसे अच्छे से व्यूज लेनी है एंड मैं आप लोगों को भी तो दिखानी है। सो मैं सबसे आगे हूँ ताकि मैं अच्छे से सारा क्लिप ले पाऊँ। एंड यहाँ पे देखो आप सबसे बड़ा रॉकेट एंड ये लास्ट है। तो गाइज बहुत ही मज़ा आता है क्योंकि पटाखा सबसे ही तो ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है दशहरा एंड रावण दहन। तो यहाँ पे हर साल पटाखा एंड सबसे बड़ा पुतला बनता है गौड़ीगंज में रावण का। एंड बहुत जगह होती भी है बट हम लोग का गौड़ीगंज सबसे ज़्यादा स्पेशल और सबसे ज़्यादा अच्छा होता है हम लोग का ही एरिया में बुधबारी बाजार में और ये दुर्गा मंदिर के आगे होता है। एंड यहाँ पे आ चुका है रावण जलाने के लिए आग। तो इसको सबसे पहले चारों तरफ राउंड लेंगे उसके बाद ही रावण को जलाएंगे। तो यहाँ पे आप देखो सब लोगों को ऐसे ही दिखा रहे हैं एंड अब रावण जलने वाला है। तो अब फाइनली हमारा रावण जल चुका है एंड ये अब जलेगा और इसमें बहुत ज़्यादा पटाखा वगैरह डाला है तो सब लोगों का यहाँ आगे से भगा रहे हैं क्योंकि ये पटाखा पटक के किसी का बॉडी में भी गिर सकता है इसलिए सब लोग दूर दूर भाग रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग का रावण जल गया एंड गाइज ये बहुत ही मज़ा आता है देखने में। बहुत दूर से लोग यही देखने के लिए आते हैं, बाहर से भी आते हैं लोग देखने के लिए क्योंकि आई थिंक नेपाल में झापा में आई थिंक यहीं पर होता है, मुझे उतना तो नहीं पता बट बहुत ही अच्छा होता है। जो भी हो हम लोग तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं ये डे के लिए। एंड फाइनली सारा पटाखा ख़त्म हो गया एंड यहाँ पे देख लो सब लोग कैसे वीडियोस ले रहे हैं, कितना लोग हैं यहाँ पे, लगभग बहुत लोग आए, अंदाजी तो नहीं बोल सकती लेकिन बहुत लोग थे यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा लोग थे, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बच्चे लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं। एंड हमारा यहाँ पर रावण जो है वो जल चुका है। तो फाइनली हमारा रावण जल चुका है एंड अब हम लोग जाएंगे मंदिर प्रसाद लेने के लिए, उसके बाद अपने घर जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रसाद लेने के लिए भी कितना ज़्यादा भीड़ है, पूरा तानम तान है। फिर मैंने और मम्मी ने प्रसाद लिया एंड हम अब घर की तरफ जा रहे हैं। सो गाइस जितना ही था आज का वीडियो, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।